बड़ी खबर का सोनीपत से एक बड़ी खबर। एक और किसान ने तोड़ा दम, हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की मौत हुई है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने लगाए हैं गंभीर आरोप, यह बड़ी खबर। किसानों ने भी यहां पर पहुंचकर विरोध किया, किसान के शव को चूहों ने खाया, ऐसा परिजनों ने कहा है। शव देखने की नहीं दी जा रही है अनुमति, परिजनों का ये बड़ा आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सोनीपत से। एक और किसान ने तोड़ा है दम, हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की मौत हुई है। इसी के साथ आपको एक और जानकारी दें कि अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। किसानों के पास जब ये पूरी सूचना गई है तो उसके बाद उन्होंने भी विरोध किया है, शव देखने की नहीं दी जा रही है अनुमति, ऐसा परिजनों ने जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको बता रहे हैं। हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की मौत हुई है। सोनीपत से बड़ी खबर, अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान के शव को चूहों ने खा लिया है। जी हां, किसान के शव को चूहों ने खाया है। परिजनों का यह आरोप है कि शव को देखने भी नहीं दिया जा रहा है, अनुमति ही नहीं मिल रही है। तो ये एक बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला जो है प्रकाश में आया। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां पर एक किसान की मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से, 70 साल के किसान की मौत हुई है, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी मलिक जुड़े हुए। सनी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं? जी बिल्कुल, सोनीपत जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है सिविल हॉस्पिटल के, उन्होंने भी माना कि शव को चूहों ने या फिर किसी जीव ने है वो काटा है। हालांकि अभी तक जो कार्रवाई की बात है वो सोनीपत के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो दोषी है उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सचिन, सबसे बड़ी बात ये है, जब किसान का शव यहाँ पर आया था उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जो परिजनों ने हमें जो फोटो दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, उसमें देखकर लग रहा है कि चूहों ने या फिर किसी चीज ने उसके शव को काटा है। जी सचिन, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची है या नहीं, और उनकी तरफ से क्या कुछ पूछताछ अभी तक हो पाया है? जी सचिन, तो जो परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम करवा दिया गया है सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा, और उसको परिजनों को सौंप दिया है। परिजन अपने पोस्टमार्टम शव को लेकर अपने गांव की तरफ निकले हैं, और उस फूलों और मालाओं से शव को ढका गया, और शहीद का दर्जा है वो किसान इस शहीद किसान को दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।